साल था 1997। सागर के हृदय स्थल तीन बत्ती पर एक सफेद रंग की एम्बेसडर कार रुकती है, जिसमें से चार लोग रिवॉल्वर लेकर उतरते हैं। गोली चलने की आवाज आती है और चारों तरफ सन्नाटा पसर जाता है। एक लाश जमीन पर पड़ी होती है। नमस्कार, मैं हूं तारिक हाशमी, आप हैं सागर टीवी न्यूज के साथ। 23 अप्रैल 1997, सागर के सबसे भीड़भाड़ वाले इलाके तीन बत्ती पर कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष नवल पुरोहित की दिन दहाड़े हत्या हो जाती है। उनकी हत्या की वजह बनती है उस समय के तत्कालीन महापौर लोकमन खटीक के खिलाफ मोर्चा खोलना। दरअसल पूरा वाकया यूं है, नवल पुरोहित ने अपनी ही पार्टी के महापौर के खिलाफ नारा दिया था, लोकमन हटाओ कांग्रेस बचाओ। इस नारे के साथ पार्टी ने महापौर लोकमन खटीक के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। उस वक्त प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, चारों तरफ कांग्रेसियों की तूती बोल रही थी और नवल पुरोहित ने उसी दिन लोकमन हटाओ कांग्रेस बचाओ के तहत एक मीटिंग भी रखी थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। नवल पुरोहित तीन बत्ती पर खड़े हुए थे, एक सफेद रंग की एम्बेसडर कार में तत्कालीन महापौर लोकमन खटीक, पूर्व सांसद के बेटे भूपेंद्र खटीक, राजेंद्र खटीक और उनके साथी जितेंद्र खटीक सवार होकर आते हैं और देखते ही देखते एक गोली नवल पुरोहित पर दाग देते हैं और नवल पुरोहित की गोली लगने से मौत हो जाती है। नवल पुरोहित हत्याकांड से पूरे शहर में सनसनी फैल जाती है और ये राजनीतिक लड़ाई खूनी संघर्ष में तब्दील हो चुकी थी। नवल पुरोहित का परिवार गहरे सदमे में था। इस हत्याकांड के बाद मानो दशकों तक सागर की राजनीति को चलाने वाला खटीक परिवार तब टूट गया जब जिला अदालत ने एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 1 दिसंबर 2000 को चारों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुना दी। इस मामले में तीन आरोपी राजेंद्र, भूपेंद्र और लोकमन खटीक हाई कोर्ट में अपील करते हैं, लेकिन हाई कोर्ट में अपील होती है, सुनवाई चलती है, इसी दौरान भूपेंद्र खटीक और लोकमन खटीक की मौत हो जाती है। बचते हैं राजेंद्र खटीक, जिन्हें संदेह का लाभ देकर कोर्ट रिहा कर देता है। इधर नवल पुरोहित के भाई राजकिशोर पुरोहित का खून उबाल मार रहा था, उन्होंने राजेंद्र खटीक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की। 1 अगस्त यानी मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने जिला अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए राजेंद्र खटीक को उम्र कैद की सजा सुना दी। आपको बता दें कि नवल पुरोहित पर गोली चलाने वाला जितेंद्र अपनी सजा सागर की केंद्रीय जेल में चुका है। इस पेशकश में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।